हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के फुल समर वैकेसन के होमवर्क को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूंसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं फर्स्ट है बच्चों वर्ल्ड अर्थ डे आज हम जानेंगे वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष बाईस अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है दिस डे रिमाइंडस यह दिन हमें याद दिलाता है हाउ मच वी हैव कॉज टू द अर्थ कि हमने पृथ्वी को कितनी हानि पहुंचाई है एंड टी अस टू टेक केयर ऑफ अवर मदर अर्थ और हमें अपनी मदर अर्थ की टेक केयर करना भी सिखाता है एंड प्रिवेंट मोर डैमेज टू इट और इसे अधिक हानि पहुंचाने से भी रोकता है नेक्स्ट एक्टिविटी है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ़ योर ड्रीम स्कूल आपको अपने तो बच्चे इस तरीके से आप अपने ड्रीम स्कूल की पिक्चर ड्रॉ करेंगे इसके बारे में फाइव लाइंस हैं द स्कूल ऑफ my ड्रीम इज वेरी beautiful. मेरी ड्रीम का जो स्कूल है बहुत ही ब्यूटीफुल है माई ड्रीम स्कूल हैज वेरी गुड टीचर्स मेरे जो ड्रीम के स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं दोज हु एक्सप्लेन एवरीथिंग विद लव टू अस जो कि हमें बहुत ही प्रेम से सब कुछ समझाते हैं इन माई ड्रीम स्कूल देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड मेरे ड्रीम स्कूल में चारों तरफ ग्रीनरी है हरियाली ही हरियाली है क्लीन एयर फ्लोज इन माई ड्रीम स्कूल मेरे स्कूल में शुद्ध हवा बहती है इन माई ड्रीम स्कूल देयर इज़ ए पूल फॉर बाथिंग मेरे ड्रीम स्कूल में नहाने के लिए एक पूल भी है नेक्स्ट एक्टिविटी है यू हैव सीन वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अराउंड यू आपने अपने आसपास बहुत प्रकार के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे हैं ट्रांसपोर्ट के साधन देखे हैं पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ देम आर गिवन बिलो उनमें से कुछ की पिक्चर नीचे दी गई है चूज द वन इन विच यू ट्रैवल ऑफन आपको उनमें से एक को चुनना है जिसमें बहुत आप ट्रैवलिंग करते हैं ड्रॉ एंड कलर इट इसे आप ड्रॉ करेंगे एंड इसमें कलर फिल करेंगे सो बच्चों देर आर सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप इनमें से जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं उसकी पिक्चर को ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर फिल करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी है मैच द स्टेट्स विद स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज देयर बच्चों यहाँ पर स्टेट्स को उनके स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जो कि वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं उनसे मैच करना है राजस्थान में क्या यूज़ किया जाता है कैमल कार्ट लद्दाख में ट्रॉलीज़ का यूज़ किया जाता है गुजरात में जुगाड़ व्हीकल का और असम में बैम्बू ब्रेस का नेक्स्ट एक्टिविटी है

पुली को यूज किए पानी को खींचना तो बच्चों ये टू पिक्चर है। पिक्चर हैं बॉय इज पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल विदाउट वेल यूजिंग वेल। द पुली सेकेंड पिक्चर में जो तो बॉय है वो पुली का यूज करके वेल से बाल्टियां खींच रहा है नेक्स्ट इन फर्स्ट पिक्चर बॉय इज डूइंग हार्ड वर्क फर्स्ट पिक्चर में जो बॉय है हार्ड वर्क कर रहा है इन पिक्चर सेकेंड बॉय इज डूइंग स्मार्ट वर्क लेकिन जो सेकेंड पिक्चर है उसमें बॉय जो है वो स्मार्ट वर्क कर रहा है सो बाय यूजिंग पुली इज इजियर टू पुलिंग आउट द फ्रॉम द वेल इसीलिए पुली का यूज करके कुएं से बकेट्स को खींचना आसान है नेक्स्ट एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम बच्चों यहाँ पर पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है उनके नाम लिखने हैं इन फर्स्ट पिक्चर दिस इज वैलम इसे बच्चों वैलम कहते हैं सेकेंड पिक्चर में है कैमल कार्ड ऊँट गाड़ी अब है बच्चों एक्टिविटी थ्री टेक एन एम्प्टी बॉटल अनयूज प्लास्टिक बॉक्स और स्क्रैप यूटेंसिल्स बच्चों कोई भी खाली बोतल लें या फिर अनयूज प्लास्टिक के बॉक्स लें या फिर स्क्रैप यूटेंसिल्स टूटे हुए बर्तन लें जो खराब बर्तन होते हैं प्लांट एनी अवेलेबल प्लांट इन इट और इसमें कोई भी अवेलेबल पौधे को लगाएं नेम योर प्लांट एंड टेक केयर ऑफ इट अपने प्लांट का नाम भी रखें और इसकी देखभाल करें प्लांट ग्रोइंग विद यू अपने पौधे को अपने साथ बढ़ते हुए देखें. यह आपका अपनी मदर को बचाने में एक छोटा सा प्रयास होगा तो इस तरीके से आप एम्प्टी बॉटल में जो वेस्ट होती हैं या फिर किसी भी बर्तन में प्लास्टिक बॉक्स में पौधा लगाएंगे और उसकी टेक केयर करेंगे अब है बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती सेवेंथ में सेलिब्रेटेड एज रविंद्रनाथ टैगोर जयंती एवरी ईयर फॉर इज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड एजुकेशन सात मई को प्रत्येक वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती उनके आर्ट लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में किए गए महान योगदान के लिए सेलिब्रेट की जाती है ही रॉट नेशनल एंथम फॉर इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश उन्होंने बांग्लादेश और भारत का नेशनल एंथम लिखा ही ऑल्सो वॉन नोबेल प्राइज उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया अब बच्चों रेडक्रॉस डे एट्थ में इज सेलिब्रेटेड एज रेड क्रॉस डे ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सो रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी आठ मई को रेड क्रॉस सोसाइटी के सिद्धांतों के प्रति सम्मान को शो करने के लिए पूरे संसार में रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है दिस डे सेलिब्रेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉल्टियर्स यह दिन उन वॉलेंटियर्स के इम्पोर्टेंस को सेलिब्रेट करता है हु हैव गिवन देयर लाइफ टू हेल्प पीपल जिन्होंने लोगों की मदद के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया नेक्स्ट बच्चों मदर्स डे सेकेंड संडे ऑफ मे मई का दूसरा रविवार जो कि नाइन्थ मई इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दो हजार इक्कीस में नौ मई का है इस सेलिब्रेटेड एज मदर्स डे उसे हर बार मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है दिस डे इज सेट टू एक्सप्रेस लव रेस्पेक्ट एंड थैंक टू मदर्स फॉर देयर मदरहुड यह दिन माताओं के ममत्व उनके प्यार रेस्पेक्ट और उन्हें धन्यवाद देने के लिए नियुक्त किया गया है अब जो एक्टिविटी है if you were allowed to keep a pet यदि आपको एक पेट रखने की परमिशन दी जाए which animal will you keep as a pet तो आप कौन सा एनिमल पेट के रूप में रखना चाहेंगे जैसे कि मुझे डॉग पसंद है तो आपको जो भी पेट रखना पसंद है आप उसका यहाँ नाम लिखेंगे what will you name it इसका क्या नाम रखेंगे रॉकी एक्टिविटी 2 है लुक एट द पिक्चर बच्चों पिक्चर को देखिए पिक्चर में क्या है क्वेश्चन है राइट इट्स नेम इसका क्या नाम है टाइगर हिंट दिस इज अवर नेशनल एनिमल बच्चों ये हमारा नेशनल एनिमल है द फिगर्स ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया बच्चों भारत में इस एनिमल की जो प्रजाति है वो कम होती जा रही है डिस्कस द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस इसके क्या कारण है आपको डिस्कस करने हैं आंसर इज टाइगर्स डिक्लाइन इन नंबर्स टाइगर्स जो है अधिक मात्रा में अधिक संख्या में कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग शिकार और उनके आवास में कमी के कारण एक्टिविटी थर्ड है ट्राई टू इमिटेट द साउंड ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो नीचे दिए गए एनिमल्स की साउंड्स को इमिटेट करने की कोशिश करो यानी कि इमिटेट बोलते हैं नकल करना मेक अ स्मॉल वीडियो एंड शेयर इट विद योर क्लास टीचर इसके लिए आप एक छोटी सी वीडियो बना सकते हैं और उसे अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं डॉग से बो बो डॉग जो है भोंगता है कैट सेव बिल्ली म्या करती है काव सेज मौ मौ, काव जो है वो रंभाती है स्नेक से हिस हिस, वो फुफकारता है लायन रॉर्स शेर दहाड़ता है, है। नेक्स्ट बच्चों आर्म्ड फोर्सेज डे सशस्त्र सेना बल सिक्स मई सेलिब्रेटेड एज आर्म्ड फोर्सेस डे सोलह मई को आर्म्ड फोर्सेज डे को सेलिब्रेट किया जाता है इट इज ए चांस टू शो आवर रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट फॉर द एंड यह उन पुरुषों और महिलाओं के प्रति सपोर्ट और रेस्पेक्ट दिखाने का एक मौका है हु आर गिविंग देयर फॉर द द सेक ऑफ सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री जो कि हमारे देश की सेफ्टी के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं दि सेक्रीफाइस लाइफ फॉर आवर कंट्री वे अपने जीवन को हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं अब बच्चे एक्टिविटी फर्स्ट है टेक एन ऑर्गेमी सीट और एनी स्क्वायर पीस ऑफ पेपर बच्चों आप एक पेपर लें या फिर ऑर्गेमी शीट लें मेक एनी वन एनिमल फेस फ्रॉम ऑर्गेमी तो बच्चों आपको शीट से उस पेपर के द्वारा किसी भी एनिमल का फेस बनाना है वन एग्जाम्पल हैज़ बीन इवन इन द पिक्चर एक जो एग्जाम्पल है आपको पिक्चर्स में दिया गया है तो बच्चों यहाँ पर डॉग का फेस बनाना है आपको किस किस तरीके से फर्स्ट स्टेप है इस तरीके से आप एक पेपर लेंगे उसे टू पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करेंगे उसके बाद बच्चों इस तरीके से डिवाइड करेंगे फिर ये फोर्थ स्टेप है उसके बाद इस तरीके से और लास्ट में जो आपको स्केच पेन का यूज करके डॉग के चेहरे को ड्रॉ करना आइज बनानी है नोज बनानी माउथ बनाना है और इस तरीके से आपका जो एनिमल है उसका फेस रेडी हो जाएगा तो बच्चों आप अपनी चॉइस से किसी भी एनिमल का फेस बना सकते हैं अब है बच्चों एक्टिविटी टू ड्रॉ एंड कलर अ पिक्चर ऑफ ए बर्ड बच्चों आपको एक बर्ड की पिक्चर को ड्रॉ करना है उसमें कलर फिल करनी है हुज आइज आर इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड जिसकी आंखें उसके सिर के सामने होती हैं एंड कलर इट और इसमें कलर भी फिल करना है तो बच्चों ऐसा जो बर्ड है वो क्या है आउल है तो आप आउल की यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी थ्री मेक अ बर्ड फीडर विद एन ओल्ड प्लास्टिक बोटल विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स बच्चों अपने की मदद से बर्ड फीडर बनाएंगे आप कुछ खाना बर्ड्स के लिए रखेंगे इस टीचर और इसकी पिक्चर अपने क्लास टीचर के साथ शेयर करेंगे तो बच्चों आप इस तरीके से प्लास्टिक बॉटल का बर्ड फीडर बनाएंगे नेक्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा फुल मून डे इन द मंथ ऑफ वैसाख वैसाख में पूर्णिमा का दिन मे मे दिस ईयर की है इस सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे ही वॉज ए स्पिरिचुअल टीचर वे एक आध्यात्मिक टीचर भी थे एक्टिविटी फर्स्ट है सो योर लव एंड ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स एलिफेंट बाई मेकिंग अ हर्ट एलिफेंट विद पेपर बच्चों आप पेपर का एक हर्ट सेप का एलिफेंट बनाएंगे और अपने लव और ग्रेटिट्यूड को इसके द्वारा शो करेंगे तो आप बच्चों इस तरीके से एलिफेंट बनाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी है नंदू डिड थिंग्स डेट ही लाइक टू डू बच्चों नंदू उन कार्यों को करता था जो उन्हें पसंद थे इफ यू कुपेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड यदि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ सारा दिन बिताना पड़े वॉट वुड यू डू तो आप क्या करेंगे मे का लिस्ट ऑफ एनी फोर एक्टिविटीज़ तो आपको ऐसी कोई फोर एक्टिविटीज की लिस्ट बनानी है आंसर इज ट्रैवलिंग प्लेइंग गोसिप स्लीपिंग एंड स्टडिंग नेक्स्ट एक्टिविटी है हाउ डू एलिफेंट फील हाथी कैसा फील करते हैं वैन दे आर कैप्टन चेंड्स जब उनको बांध कर रखा जाता है शेयर योर फीलिंग्स विद योर टीचर थ्रो वॉइस मैसेज अपनी फीलिंग्स को आप वॉइस मैसेज के थ्रू टीचर्स तक शेयर कर सकते हैं आंसर है, Answer है वेन एलिफेंट्स आर कैप्ट chains, जब एलिफेंट्स को चेन्स में बांध कर रखा जाता है दे फील रिट्रेंड एंड हेल्पलेस टू डू एनीथिंग तो उन्हें प्रशिक्षित और कुछ भी कार्य ना करने में हेल्पलेस महसूस होता है दिस विल मेक द एलिफेंट फील सैड एंड हैप्पी इससे जो हाथी होते हैं वो दुखी हो जाते हैं ड्यू टू दिस और इसके कारण एलिफेंट में रिएक्ट एग्रेसिवली और दे लाई डाउन अराउंड फेलिंग डिप्रेस्ड फॉर देयर लैक ऑफ मूवमेंट और अपने लैक ऑफ मूवमेंट यानी कि कुछ भी ना करने की कमी के कारण बहुत ही डिप्रेस्ड फील करते हैं या तो वो क्रोधित हो जाते हैं या फिर गुस्से में जमीन पर लेट जाते हैं नेक्स्ट है बच्चों ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स आज हम जानेंगे ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के बारे में फर्स्ट जून इज सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स बाई यूनाइटेड नेशन एवरी ईयर टू ऑनर पेरेंट्स एंड देयर कमिटमेंट टू चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड फर्स्ट जून को यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के द्वारा प्रत्येक वर्ष पेरेंट्स के सम्मान में और उनके अपने बच्चों के प्रति कमिटमेंट के लिए ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेवलपमेंट एंड लाइफ पेरेंट्स हमारे जीवन में तथा जीवन के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी है बर्ड्स नीड यू दिस वाटर पॉट्स फोर थ्रस्टी बर्ड्स इन टेरेस, वॉल्स, कंपाउंड्स एंड बालकनी, बच्चों आप सभी प्यासे पक्षियों के लिए टेरेस पर, walls, पर और बालकनी में के लिए रखेंगे. जब आप ये कार्य कर रहे होंगे तो आप इसकी पिक्चर्स क्लिक करेंगे तो इन्हें आप अपने फ्रेंड्स और टीचर्स को शेयर करेंगे योर फ्रेंड्स विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड बाई सी योर पिक्चर जिससे कि आपके फ्रेंड्स और आपके टीचर इसे देखकर मोटिवेट हूँ तो बच्चों आप इस तरीके से बर्ड्स के लिए वाटर से फिल करके पॉट रखेंगे जिससे वो पानी पी सकेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी है मेक एनी टू एनिमल्स बाय प्रिंटिंग। बच्चों आप हथेली के छाप द्वारा एनिमल्स बनाएंगे एग्जाम्पल इज गिवन इन द पिक्चर जैसे कि आप पिक्चर में एग्जाम्पल दिए गए हैं यू आर फ्री टू शो योर ऑन क्रिएटिविटी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए यानी कि रचनात्मकता दिखाने के लिए फ्री हैं तो बच्चे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिफेंट है लेपर्ड है लायन है और ये है बच्चे टोर्टोइ ये पाम प्रिंटिंग के द्वारा बनाए गए हैं तो आप भी इसी तरीके से हथेली से छाप कर एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ करेंगे अब बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी है लिविंग इन अ ग्रुप इज ऑलवेज बैटर अलोन। एक ग्रुप में रहना अकेले रहने से अच्छा होता है परफॉर्म योगा विद योर फैमिली मेम्बर्स आप सभी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ योगा का अभ्यास करेंगे एंड शूट अ वीडियो नॉट मोर देन वन मिनट और एक मिनट से ज्यादा की वीडियो ना हो उसे आप बनाएंगे एंड शेयर इड विद योर टीचर्स और इसे आप अपने टीचर्स के साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट है बच्चे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेवेंथ जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ टू रेज इश्यूज रिलेटेड टू फूड वी बच्चों सेवन जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यू एच ओ के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है जिससे कि हम फूड से संबंधित इश्यूज को जान सकें इट ऑल्सो मैनेज एंड ट्राई टू एंश्योर अवर सेफ्टी थ्रू सेफ्टी ऑफ अवर फूड ये हमारे भोजन की सुरक्षा के थ्रू हमारी सुरक्षा को करने के लिए प्रयास करता है वी शुड ईट हेल्दी एंड सेफ फूड हमें सुरक्षित और हेल्दी खाना खाना चाहिए नेक्स्ट एक्टिविटी है यूज क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन टू क्रिएट सम लीफी एनिमल फ्रेंड्स लाइक सोन इन द पिक्चर। बच्चों आप अपने जो फ्रेंड एनिमल्स हैं उनको लीफ के द्वारा बनाएंगे यानी पत्तियों का यूज करके आप अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से उनकी पिक्चर बनाएंगे जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिए गए हैं इन्हें पत्तियों के द्वारा बनाया गया है नेक्स्ट एक्टिविटी है इवन एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रीज जैसा कि एनिमल्स भी ट्रीज के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते जीवित नहीं रह सकते इमेजिन योर सेल्फ एज ए मंकी स्वयं को आप एक मंकी समझें वॉट प्रॉब्लम्स वुड यू फेस ड्यू टू एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्री तो बच्चों पेड़ों के अधिक कटने के कारण आपको क्या क्या परेशानियां होंगी आंसर है इफ आई वर ए मंकी यदि मैं मंकी होता आई हैव फेस मैनी प्रॉब्लम तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता सच है जैसे कि हैबिटेशन यानी कि आवास की कमी रहने के लिए जगह नहीं होती फूड भोजन आदि की कमी नेक्स्ट एक्टिविटी है वी कैन नॉट इमेजिन ए ब्यूटिफुल सीनरी विदाउट अ ट्री इन इट हम किसी भी सीनरी को इसमें पेड़ के बिना इमेजिन नहीं कर सकते कोई भी सीनरी बिना पेड़ के अच्छी नहीं लगती मेगा आ सीनरी प्रूविंग द अब स्टेटमेंट फ्रॉम पेपर टीयरिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी बच्चों आपको पेपर टीयरिंग और पेस्टिंग एक्टिविटी के द्वारा एक सीनरी बनानी है जो कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को प्रूव करे तो बच्चों आप इस तरीके से सीनरी बनाएंगे स्टूडेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू